वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अल्टरनेटर। तो ये अल्टरनेटर जो होता है, ये एसी जनरेट करने वाला यंत्र होता है। इसमें जिस प्रकार डीसी जनरेटर होता है, वैसे ही एसी जनरेट करने के लिए हम अल्टरनेटर का यूज करते हैं। तो इसे जनित्र कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में इसे हम कहते हैं, इसका मीनिंग होता है जनित्र। अल्टरनेटर को जनित्र कहा जाता है। अल्टरनेटर बेसिकली एसी जनरेट करने वाला, मतलब कि एसी उत्पन्न करके देने वाला है। जो एसी उत्पन्न करके देगा वो अल्टरनेटर होगा। अल्टरनेटर में बेसिकली क्या देखा जाता है दोस्तों, यदि मैं थोड़ा सा आपको पिछले इसमें क्लास में लेकर जाऊं, तो डीसी जनरेटर बेसिकली मैक्सिमम तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। तो ये 650 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करके देता है। डीसी जनरेटर में एक पार्ट होता है रोटेटिंग पार्ट, और उसी को हम कहते हैं आर्मेचर। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर का यूज किया जाता है दोस्तों, इस आर्मेचर को हम इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो मैक्सिमम 650 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें 650 वोल्ट से अधिक हमें जनरेट करना है, तब की कंडीशन में हम यहाँ पर अल्टरनेटर का यूज करते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का डीसी जनरेटर है दोस्तों। हम डीसी जनरेटर से भी एसी उत्पन्न कर सकते हैं। हम ऐसा अरेंजमेंट कर दें तो डीसी जनरेटर से भी हमें एसी वोल्टेज प्राप्त हो सकता है। तो ये जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर मैक्सिमम 650 वोल्ट जनरेट करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 650 वोल्ट से ज्यादा जनरेट नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि हम इस आर्मेचर में जो रोटर पार्ट होता है, उसी को हम आर्मेचर कहते हैं, और आर्मेचर में वाइंडिंग लपेटी होती है। तो आर्मेचर में वाइंडिंग लपेटी होने के कारण हम इसे इतने तेजी से नहीं घुमा सकते कि जितने इसको स्पीड से घुमाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसका जो रोटर पार्ट होता है दोस्तों, इसे हम ज्यादा तेजी से नहीं घुमा सकते। यदि इसको ज्यादा तेजी से घुमाएंगे तो इसकी जो वाइंडिंग्स है वो स्लॉट से बाहर निकल जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो बल के कारण ये वाइंडिंग्स बाहर निकल जाएगी और ये जो रोटर पार्ट है ये खराब हो जाएगा, अर्थात कि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। इस वजह से हम आर्मेचर को ज्यादा स्पीड से नहीं घुमा सकते। इसीलिए दोस्तों कारण यही है, इसी वजह के कारण 650 वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट डीसी जनरेटर से नहीं कर सकते। लेकिन हमें 650 वोल्ट से ज्यादा यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, विद्युत प्राप्त करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्टरनेटर का यूज करना होगा। और अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी 11 kV से तक, उसके ऊपर तक हम जनरेट कर सकते हैं। तो 11,000 वोल्ट जनरेट करने के लिए हमें अल्टरनेटर का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। अल्टरनेटर की खास बात यह होती है कि इसमें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का यूज किया जाता है, अर्थात इसमें मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है। जैसे हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर को घुमाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटर में हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है दोस्तों, और मैग्नेटिक फील्ड को हम कितने भी स्पीड में घुमा सकते हैं। लेकिन यदि हम आर्मेचर को एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ज्यादा नहीं घुमा सकते। तो दोस्तों इनमें अंतर यही है। इसी वजह से अल्टरनेटर से हम 11 kV तक जनरेट कर सकते हैं, और ये जो डीसी जनरेटर है इससे ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। तो डीसी जनरेटर की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वोल्टेज जनरेट करने की, वो 650 वोल्ट है, और अल्टरनेटर की 11 kV के ऊपर हम उसमें जनरेट कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो जनित्र है, ये है एसी जनित्र। इसे हम क्या कहेंगे, एसी जनित्र, अर्थात कि विद्युत उत्पन्न करके, विद्युत पैदा करके देने वाला जो यंत्र होता है वो अल्टरनेटर कहलाता है, जिसे हम जनित्र कहते हैं, एसी जनित्र। तो बात हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर एसी उत्पन्न करने की। तो एसी उत्पन्न करने के लिए हमें अल्टरनेटर का सहारा लेना होगा। अब यदि इसका कंस्ट्रक्शन देखिए दोस्तों, तो थोड़ा बहुत इसका कंस्ट्रक्शन मिलता जुलता आपको जनरेटर की तरह ही मिलेगा। जैसे जनरेटर में भी स्टेटर पार्ट होता है और रोटर पार्ट होता है, वैसे ही अल्टरनेटर में भी स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट होता है दोस्तों। तो स्टेटर पार्ट का कंस्ट्रक्शन और रोटर पार्ट का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं जनरेटर से, लेकिन जनरेटर का अल्टरनेटर से कंपैरिजन किया जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन
अलग अलग मिलेगा दोस्तों, वाइंडिंग्स अलग मिलेगी, स्लॉट अलग मिलेगी, उसके फ्रेम अलग मिलेगा, ठीक है, स्लिप रिंग्स लगी रहती है जो डीसी जनरेटर में नहीं लगी रहती, तो ये सब कंस्ट्रक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर देखने मिलेगा। अब यहाँ बात की जाए अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर का बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, वो ये एक प्रकार का अलग अलग टाइप का अल्टरनेटर हमें सर्किट में यूज करते हैं, जैसे कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, एक है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, दूसरा है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर भी बेसिकली अलग अलग टाइप के बनाए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप है इसका रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, अर्थात कि इसमें हम रोटेटिंग फील्ड को घुमाएंगे, फील्ड को घुमाने पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें देगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, इसमें हम रोटेटिंग फील्ड को, मतलब फील्ड को रोटेट करवाएंगे, और फील्ड के रोटेट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी दोस्तों। सेकेंड है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, तो इसका सेकेंड होता है रोटेटिंग आर्मेचर, तो उसमें हम आर्मेचर को घुमाएंगे, जैसे हम आर्मेचर को डीसी जनरेटर में घुमाते हैं वैसे ही हम आर्मेचर को अल्टरनेटर में भी घुमा सकते हैं। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं दोस्तों, और इन दोनों टाइप्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो यदि हम देखें इसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आपको अलग अलग टाइप से मिलेगा। चलिए दोस्तों, जो एसी जनरेट करके देता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट पैदा करके देता है, या जिससे ऐसा उपकरण जिससे अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न हो, वह अल्टरनेटर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एसी उत्पन्न करके देता है। तो एसी उत्पन्न करके देने वाली जो डिवाइस है या मशीन है, उसे कहेंगे हम अल्टरनेटर, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो अल्टरनेटर है, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इनमें से फर्स्ट है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। अब दोस्तों, इसमें इस अल्टरनेटर में हमें फील्ड को रोटेट कराना है, तो रोटेटिंग फील्ड टाइप का ये अल्टरनेटर है दोस्तों। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे हम कि इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली कैसा है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर की तरह है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर की तरह है, या इसका कंस्ट्रक्शन अल्टरनेट इंडक्शन मोटर की तरह है, या इसका कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर की तरह है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। तो यदि आपको, यदि वाई वाई में कोई पूछे कि अल्टरनेटर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है कि अल्टरनेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और उनमें से पहला है दोस्तों रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, एक रोटेटिंग फील्ड टाइप का अल्टरनेटर है, और दूसरा है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का अल्टरनेटर। तो ये दो टाइप के अल्टरनेटर बेसिकली हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट देखेंगे रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। अब रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर ये दिखने मिलता है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, चलिए दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, संरचना इसकी कैसी है। तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है स्टेटर, ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर वाला पार्ट, ये स्टेटर होता है दोस्तों, और इसी स्टेटर में वाइंडिंग्स लपेटी होती है। तो इसका जो ऊपर वाला स्टेटर पार्ट है, स्टेटर के ऊपर फ्रेम अर्थात की बॉडी लपेटी होती है, मतलब ऊपर वाला जो फ्रेम है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो ये जो फ्रेम है आउटर वाला, बाहर वाला, उस फ्रेम का नाम, उसको बॉडी कहा जाता है, या उसको हम स्टेटर पार्ट से अटैच बोलेंगे। तो ये जो फ्रेम होता है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर का, वो कास्ट आयरन का बना होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फ्रेम है ये कास्ट आयरन का बना होता है। अब ये इसमें अलग अलग वाइंडिंग्स के लिए अलग अलग पोल लपेटे हुए हैं, ये पोल है अलग अलग और इसमें वाइंडिंग्स लपेटी हुई है, तो इसमें स्लॉट बने होंगे, खांचे बने होंगे, और खांचों में यहाँ पर हम वाइंडिंग को लपेटेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर जब हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई एसी सप्लाई देंगे कभी भी, ठीक है। यदि इसे मोटर की तरह यूज करना है अल्टरनेटर को, तो हम एसी सप्लाई देंगे। यदि हमें इसे अल्टरनेटर मतलब कि एसी उत्पन्न करना है,
तो यहीं से सप्लाई हम उत्पन्न प्राप्त करेंगे, अर्थात कि जब तक रोटर पार्ट को नहीं घुमाएंगे तब तक अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें नहीं देगा। तो मेन प्राइमरी कंडीशन ये आती है कि हमें इसको किसी भी तरीके से, किसी भी चीजों से हम यहाँ पर रोटर को पहले घुमाएंगे। जब तक रोटर को नहीं घुमाएंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें नहीं देगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, हमें रोटर पार्ट को घुमाना पड़ेगा। जब तक हम रोटर पार्ट को नहीं घुमाएंगे दोस्तों तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें मूविंग पार्ट अर्थात कि रोटर को किसी भी तरीके से घुमाना होगा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में इसको सिस्टम से घुमाएंगे तो वो कहलाएगा प्राइम मूवर। तो किसी भी प्राइम मूवर की सहायता से जब हम इसके रोटर को घुमाएंगे तभी इसमें फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दोस्तों जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और तब हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पर RYB 3 फेज से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी दोस्तों। तो ये आउटपुट सेक्शन होगा, इसको कहेंगे हम आउटपुट सेक्शन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब चीजें हमें अल्टरनेटर और मोटर के बारे में पता होना चाहिए। तो यदि हम इसको अल्टरनेटर को मोटर की तरह बिहेव मतलब कि वर्क में ला सकते हैं और मोटर को भी अल्टरनेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, कि यह अल्टरनेटर जब इसके रोटर पार्ट को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है तब यह इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके हमें देता है। इसमें प्राइम मूवर के लिए हमें या तो इसे थर्मल से घुमाएंगे या तो इसे हम जल विद्युत से घुमाएंगे, जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं। इस अल्टरनेटर को हम जल टरबाइन के द्वारा, ठीक है, जल टरबाइन के द्वारा भी इसे घुमा सकते हैं। और यदि आप जैसे देखते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापी ऊर्जा मतलब कि कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके द्वारा भी इस अल्टरनेटर को घुमा सकते हैं। फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें भी इस अल्टरनेटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जियो थर्मल एनर्जी कब यूज कर सकते हैं, उसके बाद जियो थर्मल के बाद यदि आप देखें पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो ऐसी अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। अर्थात हमें किसी भी माध्यम से इस रोटर पार्ट को घुमाना होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोटर पार्ट को घुमाने के लिए हमें एक कांस्टेंट स्पीड पर इस रोटर पार्ट को घुमाना होगा। जब तक हम इसे एक कांस्टेंट स्पीड में रोटर पार्ट को नहीं घुमाएंगे तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन में। तो ये वाइंडिंग आपको दिख रही होंगी, ये लेमिनेटेड कोर होता है दोस्तों। इसके जो कोर बने होते हैं वो लेमिनेटेड होते हैं और ये सिलिकॉन स्टील के बने हुए होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये वाइंडिंग गोल गोल जो दिख रहे हैं आपको चारों, ये है पोल और यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग, इसे, ये जो वाइंडिंग सेक्शन होगा दोस्तों ये 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग है, तो इसे हम कहेंगे 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखने मिलेगा, इस कंस्ट्रक्शन में आपको हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम स्टार वाइंडिंग कनेक्शन करते हैं आर्मेचर में, याद रखिएगा। ठीक है, साइड में 2 स्लिप रिंग लगे हुए हैं और उसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर मेन मेन यदि पॉइंट को समझे तो ये फ्रेम कास्ट आयरन का बना हुआ है, ऊपर वाला फ्रेम ये फ्रेम है दोस्तों कास्ट आयरन का बना हुआ है। यहाँ पर ये वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग का जो कोर होगा दोस्तों ये लेमिनेटेड होगा, कोर इसका लेमिनेटेड होगा जो सिलिकॉन स्टील का बना होगा, तभी इसमें ईडी करेंट लॉस, ईडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ईडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड बनाया जाता है। और उसके बाद इसका, इसमें जो वाइंडिंग्स की गई है वो आर्मेचर वाइंडिंग की गई है, अर्थात कि 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है इसमें स्टेटर में। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटर में जो वाइंडिंग होगी ये स्टेटर पार्ट है ऊपर वाला, और स्टेटर पार्ट में 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, याद रखिएगा, स्टेटर में 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। इसका जो फ्रेम बना हुआ है जिसे बॉडी कहते हैं, ये बॉडी कास्ट आयरन की बनी हुई है।
इसके जो कोर हैं अल्टरनेटर के कोर, ये लेमिनेटेड कोर होते हैं, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, ताकि ईडी करंट लॉस को और हिस्टेरिसिस लॉस को दूर किया जा सके, इन लॉसेस को दूर करने के लिए यूज करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर ये दिख रहे हैं स्लिप रिंग्स, ये दो स्लिप रिंग्स लगते हुए हैं, अर्थात कि अल्टरनेट में यदि कभी पूछ लिया जाए कि अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, तो याद रखिएगा दो स्लिप रिंग लगे होते हैं, अल्टरनेटर में दो स्लिप रिंग लगे हुई है। ये दो स्लिप रिंग जो फास्फर ब्रॉन्च के बने होते हैं, अक्सर याद रखिएगा स्लिप रिंग्स अक्सर फास्फर ब्रॉन्च के बने होते हैं, तो ये दोनों स्लिप रिंग्स फास्फर ब्रॉन्च के बने होते हैं दोस्तों, क्योंकि फास्फर ब्रॉन्च के बनाने के पीछे इसका रीजन यही है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में फास्फर ब्रॉन्च मटेरियल को रखेंगे तो ये मैग्नेट के संपर्क में कांटेक्ट में नहीं आता, अर्थात कि चुंबकीय के क्षेत्र के गुण इसमें उत्पन्न नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि इसका कनेक्शन देखिए तो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये कार्बन ब्रश का है दोस्तों, इसे कहेंगे हम कार्बन ब्रश। तो दोनों स्लिप रिंग्स के ऊपर जो कनेक्शन होगा वो कार्बन ब्रश का होगा, तो यहाँ पर कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ से इन कार्बन ब्रश को हम डीसी सप्लाई देते हैं, वीडीसी। तो इसमें हमें डीसी सप्लाई दिया जाता है कार्बन ब्रश के थ्रू सीधे स्लिप रिंग में, और स्लिप रिंग का कनेक्शन दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर रोटर में वाइंडिंग्स लपेटी हुई है, इधर भी दोनों स्लिप रिंग्स का कनेक्शन रोटर में वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो इस रोटर की वाइंडिंग से स्लिप रिंग का कनेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई देते हैं किसको, इस स्लिप रिंग्स को। स्लिप रिंग को डीसी सप्लाई देने के पीछे रीजन ये है कि इस ये डीसी एक्साइटेशन हमें दिया जाता है इससे, तो हम रोटर के पोल को एक्साइटेड करते हैं, जब तक डीसी एक्साइटेशन नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों रोटर में भी वाइंडिंग होती है, अल्टरनेटर के रोटर पार्ट में भी वाइंडिंग्स होती है, और ये जो वाइंडिंग्स होती है इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों ये जो वाइंडिंग है रोटर में वाइंडिंग जो है वो फील्ड वाइंडिंग कहलाती है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उल्टा चलता है, जैसे कि डीसी जनरेटर में देखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग आपको मिलेगा स्टेटर में, लेकिन अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ मिलेगी आपको, रोटर में। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन स्लिप रिंग से होता है, और स्लिप रिंग का कनेक्शन सीधे कार्बन ब्रश से होता है। हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक, तो याद रखिएगा दोस्तों स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि डीसी एक्साइटेशन कितना दिया जाता है अल्टरनेटर में, तो 125 वोल्ट से 600 वोल्ट डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्टरनेटर में डीसी एक्साइटेशन कितना दिया जाता है, ये क्वेश्चन यहीं से बुल्ड होता है, 125 वोल्ट से 600 वोल्ट डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है, और ये बैटरी से दिया जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर रोटर के पोल को फील्ड वाइंडिंग के द्वारा एक्साइटेड करते हैं, तब यहाँ पर इस क्वाइल में जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को रोटर के द्वारा घुमाया जाता है, और रोटर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों रोटर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है, स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग नहीं करते, अल्टरनेटर में अक्सर फील्ड वाइंडिंग रोटर में की जाती है, फील्ड वाइंडिंग रोटर में की जाती है दोस्तों। और यदि देखा जाए स्टेटर में, तो स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि स्टेटर में हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि इसमें देखा जाए तो उल्टा होता है, जैसे डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में देखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग किसमें लगी होती है, उसमें स्टेटर पार्ट में होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग होती है रोटर में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा दोस्तों, हम इस रोटर में फील्ड वाइंडिंग करेंगे और आर्मेचर में करेंगे, और आर्मेचर जो है आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे स्टेटर पार्ट में, तो ये बाहर वाला स्टेटर पार्ट होता है और ये अंदर वाला रोटर पार्ट होता है दोस्तों, और रोटर पार्ट में ही हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन स्लिप रिंग से होता है, और स्लिप रिंग का कनेक्शन कार्बन ब्रश से होता है, कार्बन ब्रश का संपर्क होता है डीसी बैटरी सोर्स से।